हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ब्लाउज़ के बैक साइड में टक्स जो है वो कितने और कैसे लगाने हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी बैक साइड है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे पहले हमें इसकी, ये देखिए, पहले हमने ये बैक साइड जो थी वो कट की है। यहाँ पर हमारी लंबाई जो है 15 इंच लंबाई है, यानी कि 14 इंच हमारा ये ब्लाउज जो है वो तैयार हो जाएगा। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी यहाँ पे हमें 11.5 इंच चेस्ट का 1/4 आता है, यानी कि 10 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 है। चेस्ट का 1/4 हमारा 10 इंच है, यानी 40 इंच का हमारा ये ब्लाउज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे गला लिया था और 5.5 इंच पे हमने ये शोल्डर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने आरमोल जो है, आरमोल लिया है हमने 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमने ये इस तरीके से इसे बॉक्स बनाया है। अभी यहाँ पे हमें 2 इंच पे हमने ये गोलाई दी है, जैसे बैक साइड की जो गोलाई है वो दी हमने 2 इंच पे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम बैक साइड के टक्स लगाते हैं तो वो कैसे लेना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई क्या करता है, जो सेंटर होता है सेंटर से आप 4 इंच या 4.5 इंच आपको लेते हैं तो वो भी चलता है। जैसे यहाँ पे आपको कितनी, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें ये मार्किंग किया है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग किया है। यहाँ पे हमारा 10 इंच जो है चेस्ट का 1/4 आता है। आप चाहे तो इसको 4 इंच, 4.5 इंच, जितने आपको ब्रॉडनेस यहाँ पे ब्रॉड चाहिए तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगी। जैसे यहाँ पे आपका ये जो शोल्डर है, शोल्डर का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हमें एक मार्किंग करनी है। जैसे पूरा शोल्डर होगा, शोल्डर का आपको हाफ लेना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक निशान लगाते हैं। शोल्डर के बिल्कुल सामने, यहाँ पे हमने शोल्डर के सामने बिल्कुल यहाँ पे एक निशान लगाया है। ये देखिए, यहाँ पे आपका 4.25 इंच आता है। तो आप 4 इंच, 4.25 इंच, 4.5 इंच तक आप ये ले सकते हैं, ये टक्स पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। आप सेंटर से नापना चाहते हैं तो 4 इंच से आगे, यानी कि 4 इंच, 4.5 इंच या 5 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पे आपका चेस्ट का नाप जैसे बढ़ जाएगा तो आपका ये यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन आधा या 1/4 इंच आपका बढ़ जाता है। तो ये आपका सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको जितना आपका शोल्डर होगा, शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। मार्किंग करने से बाद यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में 4.5 इंच या 5 इंच लंबाई के हिसाब से आपको ये टक्स पॉइंट देना है। जैसे जितनी आपकी लंबाई ज़्यादा होगी तो ये टक्स पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। लंबाई कम होगी तो ये टक्स की लेंथ जो है वो कम लेनी पड़ती है। लेकिन आपको ये, जैसे इसकी लंबाई जो है, देखिए इसकी लंबाई जो है वो 15 इंच है, तो 14 इंच तैयार हो जाएगी। 14 इंच तैयार हो जाएगी तो आप यहाँ पर 4.5 या 5 इंच तक ये टक्स पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं। अभी फ्रंट साइड के जो टक्स होते हैं, तो सिंपल ब्लाउज़ के लिए टक्स लगाएंगे तो मेन टक्स जो होता है वो बड़ा टक्स होता है, और तीनों टक्स जो होते हैं वो 1/4 इंच के होते हैं। और जब हम कटोरी ब्लाउज़ में टक्स लगाते हैं वो भी हमारा 1.5 इंच का टक्स होता है और लंबाई में हमारा 2.5 इंच का होता है। और यहाँ पर हमारा जो बैक साइड का टक्स पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी जो लंबाई जो है वो, ये टक्स पॉइंट की जो लंबाई होती है ये ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से रहती है। ब्लाउज़ की लंबाई कम होगी तो टक्स पॉइंट की लंबाई भी कम होगी, ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा होगी तो टक्स पॉइंट की लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का ये फ़र्क होता है, और यहाँ पे हमारा ये 1/4 इंच का ही टक्स रहता है। इस यहाँ पे हमारा 1/4 इंच रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये 1/4 इंच आएगा। अभी यहाँ हमें सीधी एक लाइन लगानी है और इसे हल्के से इस तरीके से हमारा ये टक्स आएगा। अभी यहाँ पे हमारा ये जो टक्स पॉइंट है ये सेम दूसरे साइड में आना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, इसे अंदर के साइड में इसे फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से इसको रखना है
और इसे हमें सेम इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसका मार्किंग करेंगे और दूसरा टक स्पंज जो है इस तरीके से आता है। ये भी हमारा क्वार्टर इंच का ही टक्स रहता है। इस तरीके से मैंने ये दोनों टक्स पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर है ब्लाउज का जो सेंटर है ये सेंटर निकलता है। सेंटर से आप चाहे तो 4 साढ़े 4 इंच भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको शोल्डर होता है शोल्डर का सेंटर निकाल के आपको यहाँ पे एक मार्किंग करनी है और लंबाई के हिसाब से आपको ये टक्स पॉइंट जो है वो देना है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज के बैक साइड में टक्स पॉइंट जो है वो कैसे और कितना लेना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।